नमस्कार। अभी अभी एक सूचना मिली है कि ऐसे जगह, दुर्लभ जगह, दूरों के बीच में एकदम गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बहुत इंटीरियर एक अवैध मादक पदार्थों की बड़ी फैक्ट्री चलती थी। वहां पर मादक पदार्थ बनते थे। अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि वहां पर स्मैक बनती है, एमडी बनती है या फिर हेरोइन बनती है। लेकिन हम अभी वहां पर जा रहे हैं, बहुत रिस्क है वहां पर पहुंचने में, क्योंकि अपने आप में आप देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि स्मैक, एमडी और अवैध मादक पदार्थ है, ये नशा इतना फैल रहा है कि कई घर परिवार बर्बाद हो गए हैं। और आगे आप देखिए, बहुत सारी गाड़ियां आपको नजर आएगी। ये देखिए, एकदम झाड़ियों के अंदर से हम बहुत इंटीरियर रास्ते में यहाँ पर पहुंचे हैं। ये गाड़ियां हैं जो आपको नजर आ रही हैं, आप देख सकते हैं। और ये क्या पूरी मामला है, क्या पूरी बात है, ये हम पूरी बात आपको, पूरी जानकारी दिखाने की कोशिश करेंगे। अब यहां से हम लोग नीचे उतर करके आगे जाने की कोशिश करेंगे कि आगे यहां से क्या है। हालांकि पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है, इतनी सारी गाड़ियां आगे खड़ी है, लेकिन अपने आप में ये अगर यहाँ पर चल रहा है तो बहुत ही बड़ी बात है कि आखिर यहाँ पर जो है वो क्या चल रहा है। हम नीचे भी उतरेंगे, आगे जाकर के तमाम चीजें जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, अभी तक हम वहाँ पर पहुंचे नहीं हैं, लगातार वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा रास्ता है कि एक बार तो कोई इंसान तो क्या, कोई पशु या जानवर भी यहाँ आने के लिए कतराएगा कि हम लोग कहाँ जाए। हालांकि जंगल नहीं है, इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं है, लेकिन ना तो कोई यहाँ से रास्ता है। कितने सारे दोरे जो कवर किए, उसके बाद दोरों में घूमते घूमते भी वहां हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरे को लेकर हमने आपको पहले बताया कि ये जो पूरा मामला है, ये क्या है, क्या वहां पर बनता था, कौन बनाता था, कैसे ये काम होता था, आखिर इतना बड़ा यहाँ पर इतना गिरोह चल रहा था तो आखिर कैसे इतनी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां बॉर्डर पर है वो कैसे नहीं पहुंची। तमाम सवाल खड़े जरूर होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है, मैं तो ये सोच सोच कर हैरान हूं कि आखिर ये कैसे यहाँ तक लोगों ने यहाँ पर ये तमाम चीजें बनाई है। देखिए, हम एक गाड़ी जो यहाँ पर लेके, वो भी एक इतनी बड़ी गाड़ी हमें यहाँ पर लेके आनी पड़ी, इसुजू, जो यहाँ दोरों में निकल पाए। हालांकि अभी बारिश का मौसम है, आप देखिए एक टांका बना हुआ है, दूसरी तरफ आपको कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि यहाँ कुछ बन रहा हुआ। एक ढाणी सा बनाया है, पूरा दिमाग लगाया है। गांव की एक ढाणी होती है, चारों ओर से बाड़, एक कच्चा झोंपा, एक ईंटों का छोटा सा कमरा, बाहर पेड़, तो इस टाइप का पूरा बनाया है। और ये भी हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या कैसे क्या कुछ हुआ है। आप देखिए, हम बाहर निकलेंगे, मेरे सहयोगी जो है वो बाहर से भी। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम पूरी बात बताएंगे। ये आप देखिए, ये पूरी क्या बात है और आगे पूरी जानकारी हम आपको देंगे। पहली बार शायद आप इस इतिहास में देख रहे होंगे कि हमारे सोशल मीडिया पर ऐसी कोई खबर कि हम यहाँ दुर्लभ रास्तों से यहाँ पर पहुंचे हैं और अंदर अवैध मादक पदार्थ बनते हैं। अब क्या है, कौन कैसे है, वो आगे की वीडियो में बताएंगे।